नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। प्रयागराज से बड़ी जानकारी है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल अशरफ अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है, यह अहम जानकारी है। पुलिस की तरफ से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और देर शाम तक प्रयागराज पुलिस बरेली के लिए रवाना होगी। सीजीएम कोर्ट में आपको बता दें कि अशरफ को पेश किया जा सकता है। सीजीएम कोर्ट से अशरफ की अब कस्टडी रिमांड भी मांगी जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, देर शाम प्रयागराज से बरेली के लिए पुलिस रवाना होने वाली है। सीजीएम कोर्ट में अशरफ को पेश किया जा सकता है, जहां से कस्टडी रिमांड भी पुलिस के द्वारा मांगी जाएगी। बड़ी जानकारी है उमेश पाल हत्याकांड मामले से ये जुड़ी हुई अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल अशरफ अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है, ये बड़ी खबर है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। विकास हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विकास, कल अशरफ को लाया जा सकता है प्रयागराज, पुलिस आज बरेली के लिए रवाना होगी, क्या अपडेट है? अहमद के भाई जो बरेली जेल में बंद है, पूर्व विधायक सपा का जो अशरफ, उसको प्रयागराज पुलिस अब कस्टडी रिमांड के लिए जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है प्रयागराज में, वहां पर पेश कर सकती है। बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको कल बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। बात की जाए तो बीते दिनों पहले माफिया तीक अहमद के भाई अशरफ को प्रयागराज पुलिस की जो टीम गई थी वहां पर बी वारंट जो होता है उसको तामील करवाया था। उसके बाद अब जो प्रयागराज की जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसने साफ तौर पर आदेश दिया है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको लाया जाए। बात की जाए तो 400 किलोमीटर के बाद उसकी गाड़ी की टेक्निकल मुआयना भी कराया जाए। बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उसको पुलिस अपने सुविधा अनुसार पेश कर सकती है। जी विकास, तो ये बिल्कुल तय है कि आज जा रही है प्रयागराज पुलिस, जो कि बरेली से लेकर के अशरफ को आएगी। और दूसरा ये है कि क्या कस्टडी की रिमांड भी हो सकती है सीजीएम कोर्ट के अंदर? देखिये, साफ तौर पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो प्रयागराज पुलिस है उसने उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आरोपी जो साजिश करता है अशरफ, उसकी कस्टडी रिमांड के लिए जो बी वारंट होता है पहले उसको तामील करवाया है वहां से कोर्ट के आदेश के बाद, और आप कस्टडी रिमांड के लिए वहां बरेली जेल से उसको प्रयागराज की जो सीजीएम कोर्ट है वहां पर पेश करेगी, और उसके बाद प्रयागराज पुलिस उसको कस्टडी रिमांड पर लेकर माफिया जो अतीक अहमद है और अशरफ के जो अवैध साम्राज्य है, जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो घटना को खारिज कराया था जो बरेली जेल से, उसके मामले में पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल विकास, लेकिन चूंकि ये एक बहुत अहम कड़ी है अशरफ, और अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के इंतजाम क्या है, रूट प्लान क्या है, किस तरीके से उस पूरे रूट पर जो सुरक्षा है वो रहने वाली है, इस विषय में कोई डिटेल है क्या विकास? देखिए, साफ तौर पर जो प्रयागराज पुलिस है जिस तरीके से बरेली जेल से पहले भी माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को और गुजरात के साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज की पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको ले आई थी, बात की जाए तो उसी तरीके से एक बड़ा सुरक्षा घेरा होगा जिसमें अतीक अहमद के भाई जो अशरफ है उसको लाया जाएगा बरेली जेल से, उसको जो निकाला जाएगा उसके बाद वहां प्रयागराज पुलिस की दो वैन है वो मौजूद होगी। बात की जाए तो प्रयागराज पुलिस की जो संयुक्त रूप से जो टीम बनी है, हालांकि अभी जो टीम बनी है उसका नाम पोस्ट नहीं हो चुका है, लेकिन जो धूमनगंज थाने के जो विवेचक है वो वहां पर जरूर मौजूद रहेंगे। बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको प्रयागराज लाया जाएगा। लखनऊ होते हुए रायबरेली समेत कई जनपदों से उसका काफिला गुजरेगा। बात की जाए तो प्रतापगढ़ प्रयागराज बॉर्डर पर जो बॉर्डर टू बॉर्डर प्रयागराज पुलिस होती है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको प्रयागराज की जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वहां पर पेश कर सकती है। जी चलिए विकास, आप नजर बनाए रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अशरफ को आपको बता दें कि आज प्रयागराज पुलिस आज जा रही है और कल लेकर के आएगी। अब देखना यह है कि जब कस्टडी मांगी जाएगी तो उसके बाद क्या कुछ कोर्ट में होता है और खुलासे इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं।